तो जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे गेहूं की अलग अलग क्वालिटी आती है पिसाई के वक्त, तो कौन सी क्वालिटी में हमें किस तरह का प्रेस मारना चाहिए और किस तरह की हमें क्वालिटी रखनी चाहिए जिससे हमारे ग्राहक की रोटी अच्छी बने और हमारी ग्राहकी बढ़े दोस्तों। तो दोस्तों वन बाय वन मैं आपको दो चार क्वालिटी का समझाऊँगा दोस्तों, जिसमें सभी आ जाएगा दोस्तों, अच्छी क्वालिटी भी आ जाएगी, मीडियम क्वालिटी भी आ जाएगी और जो हमारा भेज वाला जो पानी चढ़ा हुआ अनाज आता है वो भी आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, क्वालिटी जैसी भी हो दोस्तों, हमारा जो व्यापारी का पिसाई आती है, जो बड़ी दुकानदारों की आती है, लॉज वालों की आती है, होटल वालों की आती है दोस्तों, तो उसका हमें किस तरह पिसना चाहिए, अच्छी क्वालिटी हो या ख़राब क्वालिटी हो, जैसी भी क्वालिटी हो दोस्तों, अगर आपको उनका पिसना है दोस्तों, और पहले तो उनका क्या होगा दोस्तों, उनको वजन पूरा होना चाहिए। देखो ये मेरे भी लॉज वाले का है, बड़ी होटल वाले का दोस्तों आता है, रोज़ का इसका 100-150 किलो माल आता ही है दोस्तों, तो मैं उसका इस तरह पिसता हूँ दोस्तों, होटल वाला हो चाहे दुकान वाला हो बेचने वाला हो कोई भी हो दोस्तों, क्योंकि उनको माल उनका घटना नहीं चाहिए और ग्राहक की फरियाद नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों उनका क्वालिटी इस तरह रखने की दोस्तों, क्योंकि ये देखो ये अच्छी क्वालिटी है, तो नबड़ी क्वालिटी नहीं, अच्छी क्वालिटी है, तो इससे भी थोड़ी नबड़ी आती है, इससे भी थोड़ी अच्छी भी आती है दोस्तों, तो ये अच्छी क्वालिटी का ये होटल वाला इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों उसका घटना भी नहीं चाहिए कि उसकी रोटी में जलनी भी नहीं चाहिए, फटनी भी नहीं चाहिए और ग्राहक उसके जो कस्टमर आते हैं उनकी फरियाद भी नहीं आनी चाहिए। तो उस तरह आपको पीसना है दोस्तों उसको, अगर उसको बनाए रखना है आपकी चक्की पर तो दोस्तों उसका आपको मीडियम पीसना होगा या रफ पीसना होगा। अगर आपका कोई जीना बहुत मांग रहा है, होटल वाला है दुकान वाला, तो उसका मीडियम पिसा कीजिए ताकि उसका बहुत प्रेस मारने की भी ज़रूरत नहीं रहती मीडियम में। अगर बहुत जीना पीस के दोगे तो उसका माल जल जाएगा और उसकी घटेगा भी तोलने के टाइम, तो दोस्तों हमें उसे मीडियम पीसना चाहिए, बहुत जीना नहीं पीसना चाहिए। अगर आप बहुत जीना पीसोगे तो ये देखो अभी मैं मीडियम पीस रहा हूँ और इसका मैं आपको एम्पियर काटा भी बताता हूँ कि मैं कितने प्रेस ऊपर इसे पीस रहा हूँ दोस्तों। तो ये माल जा रहा है मीडियम माल रखने का, थोड़ा जीने से थोड़ा ज़्यादा रखने का दोस्तों, तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है दोस्तों गेहूँ की। तो मैं आपको अभी एम्पियर काटा बताता हूँ दोस्तों, जितना भी आप मीडियम रखोगे ना उतनी जब भी गर्मा गर्म, क्योंकि होटल में गर्म रोटी मिलती है दोस्तों, तो गर्मा गर्म जो रोटी आती है ना वो मस्त लगती है मीडियम आटे में, तो आप मीडियम रखोगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं आपको एम्पियर काटा बता रहा, देखो दोस्तों मैं इसका अभी मेरी टकाई की हुई है इसलिए देखो अभी 9:30 पर चल रही है, बाकी तो इसका मीडियम या रफ में पीस रहा होता हो तो 8:30-9 ऊपर मेरा ये प्रेस चल रहा होता है, तो अभी 9:30 पर चल रही है। अभी जो मैं जीना पीसूँगा तो 10 ऊपर चलेगी और थोड़ा और ज़्यादा जीना पीसूँगा तो 10:30 ऊपर चलेगी दोस्तों, तो अभी मैं इसका मीडियम पीस रहा हूँ। और आगे मैं आपको दूसरे गेहूँ की जानकारी देता हूँ, उसकी दूसरी जानकारी देने से पहले दोस्तों ये प्लेट देख लो दोस्तों, ये मेरे इस प्लेट की मेरे को बेयरिंग बदलाने का है, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि मेरे को बेयरिंग बदलाने का है, क्योंकि आज तो मैंने टकाई की तो आज मैं नहीं बदला, जब भी टकाई करता तब नहीं बदला था दोस्तों, तो इस बेयरिंग बदलाने का है, तो इस बेयरिंग का मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये प्लेट मैं कभी खोलता ही नहीं दोस्तों, बिना खोले ये प्लेट में बेयरिंग बदलाता हूँ। तो ये देखो यहाँ से एक बार उस तरफ पुली वाली साइड से खोलनी पड़ती है और जो इस तरफ की जो प्लेट है वो हमेशा के लिए इस तरफ की जो प्लेट है हमेशा के लिए पैक रहती है दोस्तों, ये हमेशा के लिए पैक रहती है और बिना खोले इसे मैं बेयरिंग बदलता हूँ दोस्तों। तो किस तरह मैं बदलता हूँ दोस्तों, अगर वो जानना चाहते हो मेरे चैनल पर, आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो पर यस जरूर लिखिएगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना के आप तक पहुँचा सकूँ। मेरे बोलने का रोज दोस्तों, मेरा आपको पूछने का एक ही मकसद होता है कि आपको वीडियो काम आना चाहिए, ऐसा मैं वीडियो बना के दूँ, इसलिए मैं आपको रोज़ पूछता हूँ कि मैं भाई ये बना सकता हूँ, आप देखना पसंद करते हैं तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। और दोस्तों अभी मैं पीस रहा हूँ दोस्तों, ये जो पास का माल आता है, सरकारी जो माल मिलता है सस्ता, उसके जो गेहूँ होते हैं वो भी मैं पीस रहा हूँ दोस्तों। तो ये अभी तो क्वालिटी अच्छी आ रही है, अभी थोड़े टाइम से तो अच्छी आ रही है दोस्तों, पर इससे भी बहुत नबड़ी आती क्वालिटी, नरम गेहूँ आता है, पानी चढ़ा हुआ आता है या फोफले गेहूँ आता है, अंदर से खाली गेहूँ आते हैं दोस्तों, तो इस तरह आप समझ सकते हो मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर इसकी क्वालिटी आपको रखनी है तो वो भी आपको मीडियम या रफ रखनी पड़ेगी, वो भी बहुत ज़्यादा आप बारीक कर डालोगे तो दोस्तों उससे रोटी जल जाएगी, रोटी की कोरे फटेगी और ग्राहक की आपकी फरियाद आएगी दोस्तों, तो हमें वो मीडियम रखना है। देखो अभी दोस्तों जो मेरा पहले
पिस रहा था मीडियम ऊपर, वही प्रेस ऊपर ये मीडियम चल रहा है दोस्तों। तो हमें इस तरह की क्वालिटी हमें रखनी है दोस्तों। अब दोस्तों जिस ये सब देखो मेरे ये लॉज वाले का माल है दोस्तों, दुकानदार का माल है, लॉज वालों का माल है, पीछे स्कूल का जो सरकारी स्कूल आती है जो बच्चों को खिलाते हैं उसका यहाँ पे आता है मेरा, तो ये सब उनका माल है दोस्तों। इनकी क्वालिटी मेरे को मीडियम ही रखनी पड़ती है। अगर मैं बहुत बारीक कर दूंगा ना दोस्तों तो उनको मज़ा नहीं आएगी, बनाने वाले को भी मज़ा नहीं आएगी, और बहुत ज़्यादा कर दूंगा तो भी मज़ा नहीं आएगी। तो मैं मीडियम रखता हूँ या रफ़ रखता हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं करता और बहुत जीना भी नहीं करता, मीडियम क्वालिटी रखता हूँ। हाँ, अगर लोकल ग्राहक आता है दोस्तों तो उसका मैं 10 एम्पियर का पीसता हूँ, अच्छी क्वालिटी का जो गेहूँ आता है। बाकी लोकल का जो अगर कूपन का पास का जो आएगा, जो सरकारी माल आएगा, तो उससे मैं मीडियम ही पीसूँगा। पर अगर अच्छा, देखो ये अच्छा माल है दोस्तों, अभी मैं बता रहा हूँ ये सबसे अच्छा माल है, और इससे भी थोड़ा अच्छा माल आता है, टुकड़ा गाँव आता है उससे कहते हैं टुकड़ा गाँव, पर ये उससे नीचे क्वालिटी का है तो ये अच्छा ही है। तो वो टुकड़ा और ये एक ही प्रेस ऊपर चलता है तो वो चलता है दोस्तों। तो इसे मैं बारीक पीस सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसकी इसको बारीक पीसोगे ना तो उसकी रोटी बहुत बहुत अच्छी बनेगी दोस्तों। तो आप मीडियम भी रखोगे तो भी अच्छी बनेगी, पर ज़्यादातर मैं इस अच्छी क्वालिटी का मैं बारीक ही रखता हूँ, ताकि उसकी रोटी क्या होती है दोस्तों के बनने के बाद अगर 2-3 घंटे भी हो गए या पूरा दिन भी हो गया दोस्तों तो ऐसे कैसे नरम रहेगी। इसलिए मैं उसे जीना पीसता हूँ और अच्छी तरह देखता हूँ कि किस तरह की क्वालिटी को मेरे को रखने की है। एकदम मुलायम आटा रखने का होता है उसे दोस्तों, बहुत चिक्कास वाला नहीं, चिक्कास वाला हमें नहीं पीसना चाहिए। कोई भी गेहूँ अच्छे हो या ख़राब गेहूँ हो, चिक्कास वाला नहीं पीसना चाहिए। बारीक जीना आटा किसे कहते हैं दोस्तों, एकदम मुलायम आटा होना चाहिए। और अभी आपको एम्पियर काटा बंद, देखो ये 10 ऊपर चल, वैसे तो मेरी 9.5-10 ऊपर चलती है, बात टकाई की हुई तो 1 पॉइंट यानी 11 ऊपर भी नहीं, 10.5 ऊपर भी नहीं है, तो ये मीडियम है दोस्तों। अभी टकाई की हुई इसलिए अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, सबसे खतरनाक गेहूँ आता है हमारा, जो मोटा गेहूँ आता है, फुल लाइट वाला लगता है, हमको लगता है कितना मस्त लग रहा है गेहूँ, पर वो दोस्तों सिर्फ दिखाव का ही होता है और फुल कड़क होता है। इसमें जितना भी आप प्रेस मार लोगे ना वो बारीक होगा ही नहीं। कोई कोई तो क्या करते, मैं कभी कभी किसी चक्की पर जाता हूँ ना तो दोस्तों उसमें इतना प्रेस मार देते हैं कि 15 एम्पियर उनका काटा ले रही होती है, पर वो दोस्तों इतना जीना वो हो जाता है ना, तो वो गाँव अगर आपका जीना हो गया ना ये गाँव, तो दोस्तों वो रोटी जली जाएगी उसकी रोटी फटी जाएगी। क्योंकि ये आप 10, 10.5 या 11 ऊपर रखोगे ना तभी इसका एकदम बढ़िया क्वालिटी का आटा निकलेगा। अभी देखो ये मीडियम मैंने रखा है, मीडियम यानी जो हमारा अच्छी क्वालिटी का हमारा जो प्रेस मारा हुआ होता है ना जीना का, उतना रखा है, उससे थोड़ा नहीं जैसा ज़्यादा मैंने रखा है, यानी 10.5-11 ऊपर अभी मेरी चक्की चल रही है। तो मैं आपको एम्पियर काटा भी बताता हूँ दोस्तों, पर उसमें ज़्यादा आप जितना भी प्रेस मारोगे दोस्तों वो रफ ही दिखेगा, उसे बहुत जीना करने की कोशिश मत करना। ग्राहक को आपको समझाना पड़ेगा कि ये भाई ऐसा ही आएगा, ये गेम वो ऐसा आता है। तो देखो ये दोस्तों 11 ऊपर हमारी चक्की इस पर चल रही है दोस्तों। तो हमारा इतना ही हमारा ये माल इसमें आएगा, ये गेहूँ में इतना ही माल अच्छा आएगा दोस्तों, क्योंकि ये गेहूँ का आप जितना भी जीना करोगे उतना जीना नहीं होगा। इसलिए इसको 10, 10.5 या 11 ऊपर ही चला या 12 ऊपर कम